अनम फारूक, टेस्ट एंड टेल्स इंटरनेशनल लाइफ से। जी तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। बहुत इजी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, तो मैंने कहा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए रेसिपी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने कढ़ाई ली है, ठीक है। इसमें मैं पहले तो डालूंगी ऑयल, और ये मेरे पास यहाँ पे आधा किलो के करीब चिकन है, वो हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। बहुत ना मज़े की और बहुत सिंपल इजी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली न्यू वीडियो मिल सके। अब हम इस ऑयल और चिकन में यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब, और मैं चिकन को अच्छा सा फ्राई करूँगी। मतलब हमें इसको इतना फ्राई करना है कि ये मज़ेदार सा इसका गोल्डन कलर, गोल्डन और ब्राउन सा कलर आ जाए। तो हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, इस चिकन जो है बिल्कुल चिकन का कलर चेंज हो जाए। देखिए जैसे इसको हम तेज आंच में ऐसे फ्राई करेंगे, चिकन का कलर चेंज होता जा रहा है। इसको हम गोल्डन ब्राउन का फ्राई करेंगे, गोल्डन का ब्राउन का इसका कलर हम उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, यहाँ पे कुटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून। इसमें मैं भर के 1 और 2 टेबल स्पून में इसमें कुटा हुआ धनिया डालूंगी, और हम इसको धनिए के साथ फ्राई करेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ये मेरे अब्बू की रेसिपी है चिकन कढ़ाई की, जो मैं मतलब आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे अब्बू बनाते थे इस तरीके से। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। उसके बाद ये जो मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, इस चिकन में ही मैं ये मेरे पास 3 हरी मिर्च है, इसको मैं ऐसे बारीक बारीक काट के डालूंगी, और इसको भी साथ हम फ्राई करेंगे चिकन में। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब चीज़ों का चिकन के अंदर। लेकिन चिकन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है, इसको हम और अच्छा थोड़ा ब्राउन करेंगे, फिर हम इसमें बाकी चीज़ ऐड करेंगे। अरे जी यहाँ पे जो हमारी चिकन है वो अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब मैं यहाँ पे ये मेरे पास 4 टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और हम इसको मिक्स करेंगे, यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए हैं। मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ, ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाए, उसके बाद हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। चलिए जी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हमने कवर करके रखे थे टमाटर, अब हम देखते हैं क्या इसकी शक्ल है। टमाटर हमारे हो गए नरम, तो अब हम इसको देखते हैं ये और होने की।
अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च। और ये 1/2 टेबल स्पून में इसमें कूटा हुआ जीरा और धनिया और डालूंगी। हाफ टेबल स्पून में इसमें नमक डालूंगी। और बस अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब हमारे टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे। देखिए बहुत इजी रेसिपी है कढ़ाई की और बहुत मज़ेदार सी है। अब मैं इसको फिर कवर करके रखूंगी ताकि जब तक हमारे टमाटर गल नहीं जाते इसकी हम भुनाई नहीं कर सकते। ये देखिए इसकी मज़ेदार शक्ल आती जा रही है। टमाटर जो हैं हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं गलने वाले हैं। तो टमाटर गल जाएं फिर बस हम इसकी भुनाई करेंगे और हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी है। टमाटर थोड़ा हम तोड़ लेते हैं। कढ़ाई भुन रही है तेज आंच में, मैंने कर दी है तेज आंच। यहाँ पे ये बारीक कटी हुई अदरक है इसमें मैंने वो डाल दी है। एक हरी मिर्च में और डालूंगी इस पर और भुनाई के वक्त बारीक कट के। टेबल स्पून मैं इसमें बटर डाल ऐड कर रही हूँ। बस ये हमारी फाइनल होने वाली है कढ़ाई बिल्कुल बस ये भुनाई की तरफ है। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आप लोग मेरी आने वाली न्यू वीडियोस देख सकें। और ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो इसको हम 1 से 2 मिनट और भूनेंगे अच्छा सा कि इसके ऊपर ऑयल आता है, फिर हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनती रहेगी। बहुत इजी बहुत झटपट आप देख सकते हैं बनने वाली रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोगों को मज़ा आएगा। चलिए जी हमारी चिकन कढ़ाई यहाँ देखें कितनी मज़ेदार सी शक्ल आ रही है, अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई है। और आप लोग जैसे देख सकते हैं इस पर कितने मज़ेदार सा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कितनी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनी है। देखें मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है और हमने इसे डिश आउट कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।